नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश की आज अब तक की कोरोना वायरस अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज अब तक हिमाचल प्रदेश में 81 नए मामले सामने आए हैं। किस जिले और किस जगह से जिन नए मामले सामने आए हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे। सोलन में एक साथ 41 नए पॉजिटिव मरीज, प्रदेश भर में 81 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 81 नए मामले सामने आए हैं। सोलन में एक साथ 41 नए मामले आए, मंडी में 18, सिरमौर में 11, कांगड़ा 2, चंबा 3 और ऊना में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सिरमौर जिले में 11 नए मामले पांवटा साहिब, स्तौन और नाहन से आए हैं। वहीं मंडी जिले में भी 14 नए मामले आए हैं। चंबा में 3 नए मामले सामने आए हैं, इसमें 2 लोग डलहौजी व 1 तीसा क्षेत्र से संबंधित है। कोरोना संक्रमित आए सभी लोग सैंपल लेने के बाद होम क्वारंटीन किए गए थे। सोलन जिले में परवाणु, सोलन, MMU, बद्दी और नालागढ़ से नए मामले सामने आए हैं। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा कितना हो गया है तो 4,518 कुल संक्रमितों का हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा हो गया है। एक्टिव केसेस की बात करूँ तो 1,390 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,066 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुवार को 74 और मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से 22 की मौत हो चुकी है, जबकि 40 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं। आज 2 और कोरोना मरीज की मौत हुई है, पिछले कल भी 2 कोरोना मरीज की मौत हुई थी। तो कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच चुकी है। तो ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की कोरोना वायरस अपडेट। आज अब तक हिमाचल प्रदेश में 81 नए मामले सामने आए, किस जिले और किस जगह से आए आपको इस वीडियो में बताया गया। तो इसी तरह की अपडेट महत्वपूर्ण आगे भी आती रहेंगी हमारे चैनल पर, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो।